विपक्ष की सत्र अवधि बढ़ाने की मांग पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि पहले भी सत्र 3 दिनों का होता था, सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। और संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा सबको बोलने का मौका मिलेगा। पहले भी 3 ही दिन का रहता था और आज भी 3 ही दिन का, वैसे तो पिछला दिन भी अगर काउंट करेंगे तो 4 दिन का हो जाएगा, तो सत्र के मामले में तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। उस बात के लिए सभी ने सहमति भी जताई। सुरक्षा को लेकर बैठक भी बुलाई? हाँ, सुरक्षा को लेकर बैठेगा और जिस प्रकार से पहले सुचारू रूप से सुरक्षा को लेकर कार्य चलता था इसी प्रकार से चलेगा। सेशन होगा, स्मूथली चले, बढ़िया, उसमें कुछ बिजनेस आएगा तो उसके बारे में चर्चा हुई है। कितने दिन सत्र चलेगा? कल विपक्ष की तरफ से, विपक्ष कह रहा है कि समय बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से की गई थी। हाँ, तो कोई मनाही थोड़ी नहीं हुई है, अभी जितना काम होगा उसके हिसाब से सेशन बढ़ेगा भी, जरूरत पड़ेगी तो। कितने दिन का तय हुआ है? अभी 3 दिन के लिए सेशन चलेगा, 13-14 है और फिर बीच में कुछ छुट्टियां पड़ गई तो फिर 18 तारीख का है। सर, विपक्षी दल कहना कि प्रश्नकाल तो रखा नहीं गया तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा विधायकों को? नहीं, पूरा बोलने का मौका सबको मिलेगा। ठीक है सर, सबको बोलने का मौका मिलेगा। नड्डा सर।